नागपुर गिट्टी खदान थाने अंतर्गत एक मामला सामने आया है। गोलेवाड़ा तालाब में दोस्त के साथ फोटो खिंचाने और तैरने गए एक नाबालिग युवक की डूबने से मौत हो गई है। ध्रुव आशीष येल्दुवार मृतक का नाम बताया जा रहा है। ये कल की घटना है और जो डूब के जो एक्सपायर हुआ है उसका नाम है ध्रुव आशीष येल्दुवार। उसकी 14 साल उम्र है और वो बिगनबाग ग्राउंड के नज़दीक वहाँ पर रहता है। वो और उसकी दोस्त बोरीवाड़ा तालाब पर तैरने के लिए आए थे और फोटो खींचने आए थे। उस वक्त ये हादसा हुआ और ये लड़के का वहाँ पर एक्सपायर हो गया सर। सर वहाँ का जो पूरा क्षेत्र प्रतिबंधित है और वो जो फॉरेस्ट जो डिपार्टमेंट है उनके अंडर है, वहाँ पर उनकी सिक्योरिटी रहती है। मैं भी हमेशा वहाँ पर जाता हूँ। इसके पहले भी मैंने एक कार्रवाई की थी और कंटिन्यू मेरा वहाँ पर पेट्रोलिंग रहता है और वहाँ पर मैं अभी कंटिन्यू अभी वहाँ पर कारगर कार्रवाई कर रहा हूँ। लेकिन वहाँ की थोड़ी सिक्योरिटी, 2 या 3 ही सिर्फ गार्ड है, इसलिए बहुत सारे लोग वहाँ पर घूमने आते हैं और वो बहुत अच्छा प्लेस है, लेकिन दिखने में सचमुच बहुत अच्छा प्लेस है। महान्यूज 7 के लिए कैमरा पर्सन अविनाश तोतड़े के साथ सुरेंद्र सिंह नागी, नागपुर। नागपुर ही नहीं तो विदर्भ के लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखने की जिम्मेदारी अब रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की, बेस्ट क्वालिटी हेल्थ केयर। जी हाँ, अब हम रहेंगे आपकी सेवा में 24/7 तत्पर। ऑर्थोपेडिक, जॉइंट रिप्लेसमेंट, ICU थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी, पैथोलॉजी, मॉड्यूलर ऑपरेशन, फार्मेसी और लैप्रोस्कोपी सर्जरी आदि सभी आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण। वी आर ऑलवेज फॉर योर हेल्थ केयर। हमारा पता, रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वाठोड़ा स्क्वेयर नियर नायरा पेट्रोल पंप, रिंग रोड, नागपुर।